भाई ये देखिए टाटा की गाड़ी, हाँ भाई घुमाइए, ये देख पूरा, अरे देख यो स्टेयरिंग देख, ये यो देख, यो पहिया नहीं घूम रहा है, स्टेयरिंग चरखे ही डाला घूम रहा है, देख लो। मतलब एक ड्राइवर को मारने के लिए इससे ज्यादा और कुछ और कोई कांड हो सके है? या बस देख लो जी, या वो पीछे सी क्या रहा है, अरे या तो इसकी बैठे थे मेरी बुकिंग की है, या तो चाला कर दिया, या गाड़ी मतलब आदमी मारने खतरे थे कभी तैयार, आदमी मारने थी बिल्कुल तैयार यार। 4 दिन पहले एक हफ्ते पहले मेरे का एक्सीडेंट हुआ था, इसका फ्रंट शीशा गया था, इस गाड़ी के पहले ब्रेक नहीं लगा करते, आज देख स्टेयरिंग, आज ही पीछे से क्या रहा स्टेयरिंग देखो जी। राजधानी दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार विकास के नए नए दावे कर रही है, वहीं अगर बात की जाए उस बस की जिस बस में चढ़कर राजधानी दिल्ली की 2 करोड़ जनता रोजाना सफर तय करती है, तो वहीं आपको हर आए दिन कोई ना कोई लो फ्लोर बस खड़ी हुई मिलती है, जिसकी वजह से पूरी रोड पर जाम लग जाता है। इसके पीछे की एक मेन वजह सामने आई है, और वजह दरअसल ये है कि दिल्ली की 6,000 से ज्यादा बसों की अगर बात की जाए तो वो 12 साल से ज्यादा पुरानी है। जी हाँ, 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब ये बसें दिल्ली में आई थी, और उसके बाद कोई भी नई बस दिल्ली में नहीं आई है। हाँ, राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार ने 100 नई लो फ्लोर बसों को दिल्ली में उतारा था, और वो तारीख थी 14 जनवरी 2022। आपको जानकर हैरानी होगी, जिन 100 नई बसों को दिल्ली सरकार ने अनुमति दी थी वो दिल्ली के मेन क्षेत्र के लिए नहीं थी, वो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र घुम्मन हेड़ा से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में चलने के लिए थी। जहां एक तरफ सरकार एक आम आदमी को कहती है कि जो भी वाहन 10-15 साल पुराना है उसे बंद कर देना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की लो फ्लोर बसों की, तो ये बसें 12 साल से पुरानी हैं, इनके स्टीयरिंग तो घूमते हैं पहिए नहीं घूमते। आप समझिए कि दिल्ली सरकार किस तरह से आम जनता की जीवन से खिलवाड़ कर रही है। जो लोग इन बसों में सफ़र करेंगे वो कभी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जो लोग सड़क पर चल रहे हैं वो इन बसों की वजह से दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, लेकिन सभी की आंखें बंद हैं। ये दिल्ली सरकार के खुद के आंकड़े हैं कि दिल्ली में 6,900 बसें हो गई हैं और 6,000 से ज़्यादा बसें 12 साल पुरानी हैं। ऐसे में अंजाम ये होता है कि आए दिन ये बसें सड़क पर खड़ी हुई मिलती हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम लगता है, और जिस तरह की वीडियो सामने आई है कि स्टेयरिंग तो घूमता है लेकिन पहिया बस का नहीं घूमता है, इसके चलते आए दिन एक बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है, लेकिन दिल्ली के स्थानीय मुद्दों से हमेशा भागती हुई आम आदमी पार्टी सरकार वाकई दिल्ली के आम आदमी से मुखातिब नहीं है, दिल्ली की आम आदमी की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये इस बात से साबित होता है कि दिल्ली की जो बसें हैं वो 12 से 15 साल पुरानी हैं, जर्जर हालत में हैं, लेकिन उन्हें बदलने के लिए दिल्ली सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। दिल्ली के 9 रूट्स पर ये 100 बसें चलाकर, जो कि दरअसल दिल्ली के बाहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को कनेक्ट करने के लिए है, दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दिल्ली की 6,000 से ज़्यादा पुरानी बसें दिल्ली के आम आदमी और हर उस व्यक्ति की जो कि रोड पर चल रहा है जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन गई हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।